हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। इसके पहली वाली वीडियो में हमने बाकी के किए हुए थे 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपको इनमें से कोई भी सोल्यूशन चाहिए 1, 2 एंड 3, 4 का, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच करिए। उसमें पार्ट वाइज हर एक क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में अवेलेबल है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन sec theta इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसा कि हमें पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें से एक की वैल्यू गिवन है, वो है sec theta, ठीक है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा कि ये दो तो दिया हुआ है, ठीक है, दो बेस मतलब दो साइड्स हमें अवेलेबल है ट्राइंगल की, और एक साइड और निकालनी पड़ेगी, तो वो हम पैथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। और तीनों साइड मिल जाएगी तो बाकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है, जो दिया हुआ है। एक जैसे कि मैं बताया, हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया ए बी सी, और बी हमारा कैसा है, राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। तो इसमें जो चीज हमने की वो लिख देंगे, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। अब जिसमें जो गिवन डेटा है वो हमारा सेक थीटा गिवन डेटा है, ठीक है, तो इसी को लिख लेंगे, और थीटा इसको हम लेट कर लेंगे, ठीक है, इसको क्या मानेंगे, थीटा मान लेंगे। यहाँ पे सेक थीटा डबल इम्प्लाइज sec theta इक्वल्स टू 13/12। अब देखो, जैसा आपको मैंने सिखाया हुआ PBP पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो sec theta होता है वो cos का उल्टा होता है, ठीक है। तो cos हमारा होता है बीच वाला है, तो sec theta अगर यहाँ पे b अपॉन में h cos theta है, तो यहाँ पे h अपॉन में b क्या होगा, sec theta। तो इसको मैं ऐसा बोल दूंगा, हाइपोटेनस अपॉन में, ठीक है, अपॉन में बेस आएगा मेरा, बेस को और एक चीज़ हम बोलते हैं क्या, एडजेसेंट साइड। तो ये भी लिख के मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप है ना कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, अगर ऐसा वर्ड कहीं से आ जाए, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, ये भी चलेगा, ठीक है। इसको ही इन शॉर्ट बोला जाता है बेस, ठीक है, इन शॉर्ट इसी को क्या बोला जाता है, बेस। ये पूरा इस साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा को ही बेस बोला जाता है, ठीक है। आई होप कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर आप क्वेश्चन में कभी ऐसा देख ले तो ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या है, ठीक है। अब हाइपोटेनस की 13 वैल्यू है और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, डैट मीन्स बेस की हमारी 12 वैल्यू है, तो इसको प्लेस करते हैं, यहाँ पे 13 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, डैट मीन्स मुझे बी सी निकालना है, तो मैं पाइथागोरस थियरम अप्लाई करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, किस में अप्लाई कर रहे हैं हम, ट्रायंगल एबीसी में। अब मुझे बीसी चाहिए, तो अब मैं देखो बहुत बार आपको सिखा चुका, डायरेक्टली लिखते हैं इस समय, ठीक है, कैसे, बी सी को अगर निकालना हो, बी सी स्क्वायर, डायरेक्टली मैं बी सी स्क्वायर ले रहा हूँ, तो यहाँ से ए सी में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, मुझे क्या मिल जाएगा, बी सी, ठीक है। ए सी कितना है, 13 the whole square, ए बी कितना है, 12 the whole square, ये हो गया 169। यहाँ बी सी द होल स्क्वायर डबल इम्प्लाइज बी सी द होल स्क्वायर माइनस 144, ये आ गया 25, डेट मीन्स मैं बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 25, दैट इम्प्लाइज बी सी इक्वल्स टू 5, ठीक है। आपको पता है ये स्क्वायर रूटिंग होगा, और स्क्वायर रूटिंग के बाद
इसे आगे ऐसे कर सकते हैं, बी सी इक्वल्स टू रूट में 25, और इसका रूट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा बी सी इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गए, ये भी आ गया। ठीक है, अब थीटा के अकॉर्डिंग मुझे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने, तो वो मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ ईजिली। बी सी आ गया मेरे पास, ठीक है। तो बाकी का निकालने के लिए साइन थीटा सेम वे, हम यही से फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद। साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, पी अपॉन मैच, तो हमारा पी कौन है इसके सामने, ये रहा पी, ये रहा बी, ये रहा एच। ठीक है, इसके अंदर ये एच, ये बी और ये मेरा पी। ठीक है, तो साइन थीटा लिखने के लिए, साइन थीटा लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन मैच फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पी अपॉन में एच, तो मैं क्या लिख दूंगा, पी क्या है मेरा 5 और एच मेरा क्या है 13, साइन थीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ अगर साइड लिखनी हो तो लिख सकते हैं बी सी अपॉन में ये 13 है ए सी। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा के लिए। सेम वे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन में एच, बी अपॉन मैच, तो मैं बी अपॉन मैच किसको लिखूंगा यहाँ पे से। ठीक है, बी क्या है मेरा 12 और एच 13 और साइड कौन सी है, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, सेम वे टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी। ठीक है, पी अपॉन में बी, पी को हम क्या लिखते हैं, एक और नाम है, देखो अगर पी अपॉन में बी हमें नहीं लिखना और एग्जाम में हमें लिखना है, तो हमें पी को क्या बताना पड़ेगा, साइड अपोजिट टू थीटा, तो भी लिखते हैं साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। ठीक है, ये इसलिए कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, ऐसा कुछ टर्म आ जाए तो। और नीचे क्या लिखेंगे, सेम एडजेसेंट वाला साइड है, इस फिगर के हिसाब से एडजेसेंट आना चाहिए, बेस का मतलब एडजेसेंट, तो जैसे ऊपर मैंने बताया था साइड, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। आप सोच रहे होंगे मैंने चेंज क्यों किया, ये इसलिए कि आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, यहाँ पे पी एंड बी ये शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा की हम वैल्यू लिख लेते हैं सीधे सीधे, ये किसकी वैल्यू होगी, बी सी, और ये होगी मेरी ए बी, तो यहाँ पे मैं ए बी को क्या लिख पाऊँगा, बी सी को 5, ए बी मेरा 12। ठीक है, सिंपली ये इसलिए कि आप हमेशा बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से लिखे, ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सेम वे हमारा sec टीटा तो गिवन था, साइन cos tan आ गया, cot हम निकाल लेते हैं, cot टीटा के लिए सेम tan का उल्टा होता है, तो यहाँ से आप देख के लिख सकते हो, पहले ये रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन में साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, और यही चीज़ रिवर्स में लिख देंगे, ए बी अपॉन में बी सी, जो हो जाएगा 12/5। आई होप ये जो भी चेंजेस मैंने आपको सिखाया वो आपको याद रहेगा, ये चेंजेस इसलिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिख सके। ठीक है, ये सारे को पी अपॉन मैच, वहाँ तो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा पी अपॉन मैच क्या है, बी अपॉन मैच क्या है, ये तो हमारे शॉर्टकट्स हैं ना, ट्रिक मेथड थी जिसमें पी बाई बी हम सीख रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आदत डालेंगे क्या लिखने की, साइड अपोजिट टू थीटा, वो किसके लिए, साइड अपोजिट मतलब पी के लिए, एडजेसेंट मतलब बी के लिए। ठीक है, अब याद रहेगा, और ऑपोजिट को ऐसे भी याद रख सकते, देखो इसके सामने ऑपोजिट की बारी आती है, और इसके जब नीचे की बात करते हैं, यहाँ पे देखो इसके जब ये चीज़ इसके सामने बात करेगा तो ऑपोजिट, ठीक है, क्योंकि इसके ऑपोजिट देख रहे हैं, और नीचे जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू, ठीक है, इसके बाजू में जो ये है एडजेसेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आगे का हम देखते हैं। कॉट थीटा तक हमारा हो गया, हमारा कॉसेक बच गया था, कॉसेक टीटा किसका उल्टा होता है, साइन टीटा का, साइन टीटा क्या था आपको पता है, पी अपॉन में एच होता है साइन टीटा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन टीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच, सॉरी
पी अपॉन में एच, पी क्या है मेरा परपेंडिकुलर और एच हाइपोटेनस, यहाँ सिंपली हाइपोटेनस है क्योंकि हाइपोटेनस के लिए दूसरा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन में पी के लिए मैंने बताया था क्या, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, ठीक है, ये वाला रफ वर्क है मेरा, और यहीं से मैं लिख दूंगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मेरा कितना है ए सी फिगर के अंदर और यहाँ पे बी सी, तो मेरा ए सी जो कॉसेक थीटा है ये लास्ट है हमारा क्योंकि सेक थीटा तो गिवन था, ए सी, ए सी कितना है 13 और बी सी मेरा है 5, तो ये हो गई मेरी वैल्यूज। आई होप ये वीडियो क्लियर होगी आपको, जो भी नया पैटर्न मैंने चेंज किया वो आपके एग्ज़ाम की वजह से, एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपको लिखना रहेगा, ठीक है, वहाँ कोई पी अपॉन भी आपको नहीं देखेगा क्या लिखा आपने पी अपॉन में भी, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, एंड वन मोर थिंग, शेयर करना ना भूले वीडियो को अगर पसंद आई है तो।